मूर्ख भल चारे बुद्धिहीन तनु जाए सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन गोत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि देखो आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसम सुर भूप सियावर राम चंद्र की जय रघुवीर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। बोल श्री शंकराचार्य महाराज की। हवे वेद पाठ थशे। सब बैठ जाइए आराम से, अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप दे देना श्री गुरुभ्यो नमः। We start this evening's program with Veda Ghosha. श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। शन्नो मित्रस्य वरुणः
शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ओम शांति 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 हरि ओम पूज्य शंकराचार्य जी मुरारी बापू जी आज के ये अवसर पे आपको सबको यहाँ पधार के जो आप श्रृंगेरी में आए हैं तो ये आपने शंकराचार्य जी ने पूज्य मुरारी बाबू को जब कालड़ी में आए थे तो उन्होंने आमंत्रित किया था कि आप श्रृंगेरी में आके यहाँ एक रामायण का प्रोग्राम कीजिए। उस भाग्य से आप लोग और हम लोग और बापू सब शंकराचार्य के चरणों में यहाँ हाजिर हैं। अब हमारे यहाँ के मठ के जो हैं गौरी शंकर जी आपका स्वागत करेंगे। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारती तीर्थमाश्रये ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिवोटीज हु हैव असेंबल्ड हियर आई ऑफर आवर साष्टांग प्रणाम्स एट द लोटस फीट ऑफ हिज होलीनेस जगद्गुरु शंकराचार्य दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी श्री शारदापीठम श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी एंड सीक हिज ब्लेसिंग्स फॉर स्टार्टिंग दिस इवनिंग्स फंक्शन। अवर प्रणाम्स टू पूज्य बापू जी। टुडे इज अ ग्रेट डे। वी हैव ऑल असेंबल्ड इन अ वेरी सेक्रेट प्लेस। As many of you may know, about 1200 years ago, when the practice of Sanatana Dharma was at its lowest ebb, Lord Parameshwara took birth as Adi Shankara in a small village near Kaladi in the state of Kerala. The greatest achievement that Adi Shankara did was the establishment of 4 Amnaya Pitas for the propagation and sustenance of Sanatana Dharma, which he, in a very short period of 32 years, had built over a very large area of the entire Akhanda Bharata. The 4 Amnaya Pitas have carried on this glorious work for the last 1200 years. Of the 4 Amnaya Pitas that Adi Shankara established, the first and the prime was at Sringeri, the Dakshinamnaya Sringeri Sharada Pitam. Sringeri is a small village in the district of Chikmagalur in the state of Karnataka. It is known for its beautiful weather, greenery, and the peace and sanctity that we have been able to maintain for all these years. It was at this spot that Adi Shankara saw a very rare event of a frog getting shade from cobra, the two natural enemies living in peace. Attracted Adi Shankara and his 4 disciples. And Adi Shankara decided that this must have been a very sacred place where 2 rivals live together. And he spent 12 years of a short span of 32 years in this place and decided to establish the first Amnaya Pita, Dakshinamnaya Sringeri Sharada Pita. Not only that, he built a beautiful temple for Goddess Sharada. He installed a murti of Sharada on a Sri Chakra. The temple that you are seeing by the side of you is 1200 year old, though not the outside structure.
This glorious work that Adi Shankara started has been continued by an avichinna guru parampara. The privilege of having the claim that we are the only parampara where there is no vichinna comes only to Dakshinamnaya Sringeri Sharada Peetam. For 1,200 years, there has been an unbroken succession of gurus adorning this transcendental throne, and the present Jagadguru, Jagadguru Bharati Tirtha Mahaswamiji, is the 36th in this line of succession. Sringeri Sharada Peetam has been in the limelight for the excellent work that it is doing in the cause of sustenance and propagation of Sanatana Dharma. Jagadguru Bharati Tirtha Mahaswamiji toured the entire length and breadth of this country about 3 years back for 14 months and did the prachara of Dharma in all the parts of the country when he had his Vijaya Yatra. Many of you may remember that during that yatra, when His Holiness was camping at Kaladi, the birthplace of Adi Shankara, Pujya Bapuji had the occasion of conducting a yajna at that place. In fact, His Holiness inaugurated that yajna, and at that time, during the speech, His Holiness had mentioned that Pujya Bapuji should come and conduct one yajna at Sringeri also, for which Pujya Bapuji replied that he has had the privilege of conducting Ramayana Mahayajna at all the other three peetams, that is at Puri, Badri and Dwarka, but not at Sringeri, for which he deems it a privilege, and he said that at the earliest occasion he would come to Sringeri for conducting this Mahayajna. That day has come now. Today, starting from today, for next 9 days, we are going to have the Ramayana Mahayajna being conducted by Pujya Bapuji. Sri Muraridas Haryani is more popularly known as Sri Murari Bapuji. He was born to Sri Prabhadasji and Srimati Savitrima. He underwent training under his grandfather Sri Tribhuvandasji in the famous work of Ramacharita Manas or Tulsidas Ramayan. Pujya Sri Murari Bapuji started preaching Ramacharita Manas since his childhood days. Devotees all over India, from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south, have had the chance of participation in the Ramayana Jnana Yajna conducted by Pujya Bapuji. In fact, Pujya Bapuji has conducted many such yajnas abroad also, including one in a steamer last year. The yajna was conducted at Kailas Manasarovar at the footsteps of Himalayas. Usually every year after Diwali, Bapuji conducts an yajna in a Punyakshetra. As I mentioned to you earlier, a couple of years back, Bapuji conducted one such Mahayajna at the birthplace of Adi Shankara at Kaladi, on which occasion, when Holiness inaugurated the yajna, we made a request to Pujya Bapuji to conduct one yajna at Sringeri, the sacred place of Sringeri, for which Sri Bapuji very kindly consented. Starting from today, for next 9 days, Sri Bapuji will conduct the Ramayana Jnana Yajna at the sacred Sri Sharada Peetam. This Ramayana Jnana Yajna, being conducted with the benign blessings of His Holiness, will be inaugurated by His Holiness Jagadguru Shankaracharya, Sri Sri Bharati Tirtha Mahaswamiji, just now. I take this opportunity to extend a hearty welcome to all of you who have come in such large numbers from various parts of the world for participating in this yajna. May Goddess Sharada and Jagadguru Shankaracharya bless and bestow all the best of health and prosperity to Pujya Sri Murari Bapuji to continue this great task of propagation and sustenance of our Hindu Dharma for a long time to come. May you all participating in this yajna get the peace and mental satisfaction and be blessed with a good time. Thank you. Now, on behalf of all of you, I request His Holiness to kindly inaugurate the function by lighting the lamp.
His Holiness Jagadguru Sri Sri Bharati Tirtha Mahaswamiji will now bless all of us with his pravachana. इंदीवरेन्द्रमणिसुंदरमिंदिरेशं मंदीकृतेन्द्ररिपुवृंदमंदवीर्यं मंदस्मितप्रसरनंदितलोकवृंदं वंदे दिनेन्द्रकुलनंदनरामचंद्रं दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिश्चैव तं वंदे रघुनंदनम् हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को भगवान श्री रामचंद्र परम आराध्य इस संसार में भगवान श्री रामचंद्र के समान धर्ममूर्ति और कोई दूसरा था ही नहीं। भगवान श्री रामचंद्र के प्रति कहना है तो भगवान महर्षि वाल्मीकि के ही वचनों में कहना है तो रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म ही एक शरीर धारण करके श्री राम नाम से इस धरती पर विराजा था, इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति हमारी निष्ठा हमारी श्रद्धा अनुपम है। कई महान भगवान शंकराचार्य जी जैसे तात्विक श्रेष्ठ भी भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति परम भक्ति से किए, क्योंकि भगवान की महिमा ही वैसी है।
आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। जो आत्मा राम माने जो आत्मा में ही सदा रमते हैं, माने जिनको संसार में किसी की आवश्यकता नहीं है, जो आत्म वस्तु के बिना और किसी को देखते ही नहीं, वैसे महान व्यक्ति भी जब भगवान की बात आती है तब तन्मय होकर भगवान का भजन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। ये है भगवान की महिमा। इत्थं भूत गुणो हरि। शंकराचार्य जी इस संसार के एक अद्वितीय वेदांती थे। उनके समान वेदांती और कोई पैदा हुआ ही नहीं, लेकिन वे भी भगवान श्री रामचंद्र जी को बहुत भक्ति से स्तुति किए थे। इसका यही कारण है, भगवान श्री रामचंद्र धर्म के साकार मूर्ति थे। मैं बहुत जगहों में ये कहा था कि आप सब लोग रामायण का प्रवचन सुनते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, लेकिन रामायण श्रवण से आप क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं? इसका एक ही उत्तर हमारे पूर्वजों ने ही कहा, रामवद वर्तितव्यम रावणवन न वर्तितव्यम। ये शिक्षा प्राप्त करना, हमें अपना जीवन चलाना तो भगवान श्री रामचंद्र के जैसे ही चलाना, रावण के जैसे कभी भी नहीं। जब ये शिक्षा हम प्राप्त करते हैं तभी हम रामायण प्रवचन जो सुने हैं वो सार्थक हो सकता है। यदि ये शिक्षा हमें मिली ही नहीं तब फिर उसका उपयोग क्या है? राम और रावण दो पात्र श्रीमद् रामायण में धर्म और अधर्म के प्रतीक हमारे सामने दिखते हैं। धर्म का प्रतीक है भगवान श्री रामचंद्र और अधर्म का प्रतीक है रावण। जो धार्मिक है उसको क्या फल मिलता है, जो अधार्मिक है उसको क्या फल मिलता है, यह भी हमें श्रीमद् रामायण से स्पष्ट होता। यान्ति न्याय प्रवृत्तस्य तिर्यञ्चोऽपि सहायताम् अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति। जो धर्म मार्ग पर चलते हैं, जो न्याय मार्ग पर चलते हैं, जो कभी भी अधर्म को सपने में भी सोचते नहीं, वैसे लोगों को भगवान की सहारा हमेशा मिलती है। संसार के सभी प्राणी उनको मदद करते हैं, जैसे भगवान श्री रामचंद्र को किष्किंधा के वानर मदद किए। रावण से युद्ध करने के लिए जब भगवान श्री रामचंद्र जी सन्नद्ध हुए तब कोई अयोध्या से उनको सेना आई नहीं, किष्किंधा से वानरों की सेना आई थी। ये उनकी धर्म निष्ठा का फल है। वैसे जो रावण परम अधर्मी अन्यायी, उसको क्या हुआ,
अपना भाई विभीषण ही उसको छोड़ दिया। माने जो अधर्मी होता है उसको अपना सगा भाई भी छोड़ देता है। इसीलिए कोई भी अपने जीवन में अधर्म के लिए तनिक भी अवकाश ना दें, हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलें। यही तो हमें रामायण से प्राप्त होने वाली शिक्षा है। भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र प्रारंभ कैसे हो गया है? महर्षि वाल्मीकि नारद से पूछते हैं, 16 गुण, इन 16 गुण वाला संसार में कौन है? कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कहा कस समर्थश्च कश्च एकप्रियदर्शनः आत्मवान को जित क्रोधः द्युतिमान कहा अनसूय कहा कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। ये 16 गुण, इन 16 गुण वाला संसार में कौन है? इसका उत्तर भगवान महर्षि नारद जी ने कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः। महर्षि, तुमने जो 16 गुण कहे हो ये सब केवल एक व्यक्ति में ही शामिल हैं, वो है भगवान श्री रामचंद्र। माने ये 16 गुण सभी को बहुत आवश्यक हैं। जो इनसे युक्त होता है वही षोडश कला पूर्ण चंद्रमा जैसे विराजता है। जैसे षोडश कला पूर्ण चंद्रमा ही पूर्ण रूप प्राप्त कर सकता है, वैसे ये षोडश गुण पूर्ण आदमी ही वो षोडश कला पूर्ण चंद्रमा जैसे हो सकता है। इनमें से एक भी गुण यदि हम प्राप्त करें तब हम कृतार्थ हो सकते हैं। कोई भी इन सारे गुणों को प्राप्त कर नहीं सकता, ये तो केवल भगवान श्री रामचंद्र में ही थे। इनमें से कोई एक गुण यदि हम अपनावें तब हमारा जन्म धन्य हो सकता है, हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। आजकल हम लोगों में इन गुणों में एक भी गुण को देख नहीं पाते हैं, इसीलिए किसी को शांति नहीं, किसी को खुशी नहीं, कहीं भी लोगों को तृप्ति नहीं। क्यों? ये दैवी संपत्ति लोगों में नहीं, इसी को भगवान गीताचार्य ने दैवी संपत्ति कहा। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग दैवी संपद वाले, कुछ आसुरी संपद वाले। जो दैवी संपद वाले लोग होते हैं वे ही तो अपना जन्म धन्य बना सकते हैं, मुक्ति का मार्ग बना सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। जो आसुरी संपद वाले होते हैं वे तो इस संसार सागर में वैसे डूबते डूबते रहते हैं, उनको इस संसार सागर से पार करना कभी भी हो नहीं सकता। जब इस आसुरी संपद को छोड़कर दैवी संपद की प्राप्ति के लिए कोशिश शुरू करते हैं तभी वो सही रास्ते पर आ सकता है। इसलिए जो दैवी संपत्ति भगवान गीताचार्य ने भगवद गीता में कहा, अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति
दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागश्चान्तिरपैशुनम् दयाभूतेश्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। ये दैवी संपत्ति है, इसका व्यतिरिक्त इसके विरुद्ध जो है वो आसुरी संपत्ति। रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी इस दैवी संपद से पूर्ण थे। दैवी संपत्ति में जितना वर्णन किया गया है वो सब भगवान श्री रामचंद्र में परिपूर्ण थी। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी हमें परम आराध्य बन गए। सभी को भगवान श्री रामचंद्र का नाम लेने से ही परम आनंद होता है। वो कैसे होता है? हमारी संस्कृति में धर्म को हम वैसा स्थान दिए, जो धार्मिक व्यक्ति है उसका नामोच्चारण भी पवित्र हम मानते हैं। यदि हम स्वयं ही धर्म का आचरण करते हैं तब वो कैसे होगा? एक धार्मिक व्यक्ति का नामोच्चारण ही बहुत पुण्यप्रद है, तब यदि स्वयं धर्म का आचरण करते तब उसके बारे में, उसकी महत्ता के बारे में हम क्या कहें? इसीलिए हमेशा धर्म के रास्ते पर चलिए। कुछ लोग धर्म के बारे में विपरीत भावनाएं रखते हैं। विपरीत भावना माने कुछ लोगों की धारणा ऐसा है, धर्म वो कोई श्रीमान व्यक्ति आचरण कर सकते हैं, हम तो गरीब हैं हम कैसे धर्म का आचरण कर सकते। यह तो एक विपरीत भावना है। धर्म के आचरण में श्रीमान अमीर गरीब ऐसे विभाग कहाँ भी नहीं। माने इन लोगों की धारणा है कि कोई मंदिर बनाना वही धर्म है, हम गरीब मंदिर कैसे बनाएंगे, इसीलिए हम धर्म कर नहीं सकते। अरे केवल मंदिर बनाना ही धर्म है ऐसे कहाँ है क्या? कहीं नहीं। मंदिर बनाना भी धर्म है, मंदिर जाकर भगवान को नमन करना भी धर्म है। क्या आप मंदिर तो बना नहीं सकते, उस मंदिर जाकर भगवान को नमन कर नहीं सकते क्या? अर्थानस्युर्य दिविजहिमो धर्ममर्थैक साध्यम् काय क्लेशैः कति कति विधः साधनीयो न धर्मः। भगवान की स्तुति करना धर्म नहीं है क्या? भगवान की पूजा करना धर्म नहीं है क्या? दूसरों को एक अच्छी बात कहना भी धर्म है। माने हम यहीं एक जगह में हैं, रास्ते में हैं, वो रास्ता हमें मालूम है, कोई नया आदमी आया उसको वो रास्ता मालूम नहीं। उस रास्ते में यदि आगे जाएगा तो वहाँ एक गड्ढा है, हम वो जानते हैं, तब उस नए आदमी को अरे भाई आगे जाओगे तो वहाँ गड्ढा है मत जाओ, ये भी कहेंगे तो ये भी एक धर्म। इतना कहने में हमें क्या कुछ पैसे खर्च करना चाहिए? इतना कहने में क्या कोई परिश्रम उठाना चाहिए? नहीं। केवल ऐसी एक बात कहने से भी हम पुण्य कमा सकते हैं। तब कहिए क्या कोई श्रीमान व्यक्ति ही धर्माचरण में योग्य है क्या? नहीं। संसार के सभी व्यक्ति धर्म आचरण में योग्य हैं, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार सभी लोग धर्माचरण कर सकते हैं। सभी लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त करने को अवसर है ही।
भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं। भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताया है नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मुझे किसी पर राग नहीं, किसी पर द्वेष नहीं। यदि भगवान को ये राग द्वेष होते हैं तो वो भगवान ही हो नहीं सकता। जो राग द्वेषों से मुक्त है वही भगवान है। इसीलिए भगवान सभी व्यक्तियों को एक ही तरह अनुग्रहित करता है। यदि हम भगवान के शरण में गए नहीं तो वो हमारा अपराध। जैसे नदी में पानी बहता है, जो कोई भी घड़ा लेकर वहां जाता है अपने घड़े में पानी भरा सकता है। नदी को किसी पर पक्षपात नहीं। यदि इस आदमी के घड़े पानी से भरावे, इसके घड़े में पानी ना भरावे, ऐसी भावना नदी को नहीं। यदि आप नदी तक घड़ा नहीं ले गए तो आपका ही अपराध है। यदि आप घड़ा नहीं नदी के यहाँ ले चलेंगे तो अपने घड़े में पानी भरा सकते ही। वैसे ही यदि हम भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान हमें अवश्य अनुग्रहित करेगा। इसीलिए कहते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम नतु गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भगवान केवल भक्ति को देखता है और कुछ भी देखता नहीं। हम श्रीमद् रामायण, महाभारत, महाभागवत, श्रीमद् भागवत सुनते हैं, इनमें कितनी कथा आते हैं जिनमें भगवान की कृपा का वर्णन हमें मिलता है। विदुर नामक एक व्यक्ति जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। गजेंद्र एक हाथी है, उसको भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई। अहल्या एक स्त्री, उसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। माने भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए। ध्रुव एक बालक, केवल 5 साल का बालक, उसको भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई। इसीलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं, केवल भक्ति की ही आवश्यकता है। आप भक्ति से भगवान को पुकारेंगे तो अवश्य भगवान आपको अनुग्रहित करेंगे ही, जैसे द्रौपदी को भगवान की कृपा हुई। परम भक्ति से द्रौपदी भगवान को पुकारी, देखिए कैसी कृपा द्रौपदी पर भगवान की हुई। ये है भगवान की महिमा। हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि भक्ति करो, भगवान की कृपा प्राप्त करो, धर्म करो, अपना जीवन सुखमय बनाओ। धर्म एकमात्र ही हमारा बंधु है। हम कई लोगों को ये मेरा है, ये मेरा बंधु है, ये मेरी मामा है, ये मेरे मामा है, ये मेरा भाई है, भतीजा है, भतीजी है, बहुत कहते हैं। वास्तव में आपका बंधु धर्म ही एकमात्र है, क्योंकि ये सारे लोग कब तक आपके मुंह देखते रहते हैं, जब तक आपसे उनको कोई फायदा हो तब तक। जब आपसे उनको कोई फायदा नहीं तब कोई आपके पास आएगा भी नहीं। ये भगवान शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा है, यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः।
पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे। इसीलिए इन लोगों से हमें क्या होगा, लेकिन आपका एकमात्र बंधु है धर्म। जो आपसे किया गया है वो धर्म ही एकमात्र आपका बंधु, क्योंकि वह आपको कैसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। मृतम शरीर मुत्सृज्य काष्ठलोष्ट समम क्षितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तम अनुगच्छति। जब हमारे शरीर से हमारा प्राण निकल जाता है, तब हमारी हालत क्या होगी ये कोई भी जानता नहीं, लेकिन तब भी हमारे साथ आने वाला एकमात्र चीज है धर्म। आपको अगले शरीर में सुख देने वाला धर्म एक ही है। यदि आज आप सुखी हैं तो पिछले जन्म में आपसे किए गए धर्म का फल है। वैसे ही यदि आपको अगले जन्म में भी सुख पाना है तो अब इस शरीर में धर्म का आचरण कीजिए। वह एकमात्र ही साधन है आपको अगले जन्म में भी सुख पहुंचाने के लिए। ये हमारे सनातन धर्म का मूलभूत तत्व है। इसे हमें सिखाने के लिए ही सारे इतिहास पुराण उपनिषद दर्शन सब आए। धर्म का स्वरूप दिखाने के लिए, धर्म का तत्व बताने के लिए ही ये सारे ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित हैं। वैसे धर्म का स्वरूप और धर्म का तत्व हमें उपदेश देने वाले ग्रंथों में श्रीमद् रामायण प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें धर्म के प्रति बहुत ही हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उस धर्म का आचरण करके भगवान श्री रामचंद्र जी हमें एक परम आदर्श पुरुष बने हैं, जिस भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ही हमारे सारे पापों को मिटाने में समर्थ है। इसलिए हम राम कथा सुनने में बहुत उत्सुक होते हैं। हमारे भारतीयों को राम कथा सुनने में इतनी उत्सुकता है कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ उपस्थित होते हैं। आप सब लोग इस राम कथा सुनने के लिए ही कई जगहों से यहाँ आके उपस्थित हैं। ये आप लोगों को श्रीमद् रामायण के बारे में जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे भारत में कई संत महात्मा हैं। इन संतों को अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं होता, केवल दूसरों को उपकार करना ही उनका स्वभाव होता है, दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाना ही उनका स्वभाव होता है, उससे उनको कुछ भी होने वाला नहीं। वैसे संत महात्माओं में हमारे मुरारी बापूजी बहुत ही श्रेष्ठ हैं, जिनसे लाखों लोग उपकृत होते हैं। उनके रामायण प्रवचनों से लाखों लोग लाभान्वित होते हैं और वे श्रीमद् रामायण प्रवचन तल्लीन होकर जब करते रहते हैं वो देखने में ही एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं कालटी में उनके प्रवचन सुना, भगवान शंकराचार्य जी की जन्मभूमि कालटी, जिसके प्रति मुरारी बापू जी को बहुत श्रद्धा है, क्योंकि वे अद्वैत संप्रदाय के अभी कहते थे उनके दादा ऋषिकेश के कैलाश पीठाधीश बने थे। तब मैंने कहा, अरे आप तो हमारे ही जैसे कट्टर अद्वैती हैं। इसीलिए आपको भगवान शंकराचार्य जी के प्रति
और उनकी परंपरा के प्रति इतनी निष्ठा और आदर आप कट्टर अद्वैती होने से ही आ गया है। इसीलिए कालटी में उनका प्रवचन जब हुआ था तब मैंने उनसे कहा ऐसा ही एक प्रवचन आपका श्रृंगेरी में भी होवे। उन्होंने बहुत प्रसन्नता से बहुत खुशी से हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और अब श्रृंगेरी में ये कार्यक्रम करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए मैं मुरारी बापू जी को अपने पूर्ण आशीर्वाद दे रहा हूँ। उनके ये रामायण प्रवचन सुचारू रूप से होंगे। यहाँ जितने धर्म प्रेमी लोग उपस्थित हैं वे सब बापूजी के प्रवचन से अपना जीवन धन्य बनाएंगे। उनको भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा पूर्ण रूप से होवे और आप सब धर्म के रास्ते पर ही हमेशा चलते रहें। यही तो मेरी कामना है। जो कोई भी श्रीमद् रामायण का प्रवचन सुनता है उसको हमेशा धर्म के रास्ते को ही अपनाना चाहिए। यही तो मेरी कामना। मैं भगवती शारदाम्बा से, भगवान चंद्रमौलीश्वर से, भगवान आद्य श्री शंकराचार्य जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे मुरारी बापू जी को और दीर्घायु प्रदान करें। इनसे और भी कई रामायण प्रवचन हो गए, लोग लाभान्वित हो गए। ऐसे मैं बापू जी को आशीर्वाद देकर, आप सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद देकर ये इस रामायण प्रवचन कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहा हूँ। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव।
आइए हनुमंत विराजिए कथा रघुवीर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो सब संतन Thank you.
श्री राम जय राम जय Jai Jai Ram.
श्रीराम चंद्र कृपालु भजन हरन भव भयदारु
कृपा
भुजंग विनु रजू
जग जाई हे वर्तमान जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की परांबा शारदांबा मात की जय। चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। श्रृंगेरी धाम की जय। हर हर इस परम पावन धाम में जहाँ परांबा शारदाम्बा माँ विराजित हैं और हम सब पर कृपा करके परम पूज्य श्री श्री भारती तीर्थ महायोगी स्वामी जी जगतगुरु महाराज स्वयं यहाँ विराजमान है।
તમારું 9 વર્ષ સુધરી ગયું મારા. મેં યે કહે રહા હું પ્રભુ કે યહાં જો આયે ઇનકી નઈ સાલ પૂરી હોને સે પહેલે સફળ હો ગઈ. પતા નહીં હમકો બહોત પ્રસન્નતા. और मुझे अकेले को नहीं, मैं अभी पूज्य चरण के पास आशीर्वाद लेने गया और 2-3 बार स्वयं बोले कि बड़ी प्रसन्नता हो गई बड़ी. इस जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान की इस परम पावन पीठ पर बहुत कथाओं का पुण्य एकत्रित हुआ, तब यहां गाने का मौका मिला. हम कह रहे थे, पूज्य चरण में निवेदन कर रहे थे कि द्वारिका में हमने 2 बार मानस का अनुष्ठान किया, जगन्नाथपुरी में भी 1 बार गाए, बद्रीनाथ भी हो आए, लेकिन ये बाकी था. और कालड़ी में आपके दर्शन हुए, आपने प्रथम दिन आकर बहुत वात्सल्य और प्रेम और उदारता के साथ आशीर्वाद दिए और हम सबको आपने अपनी पीठ की गरिमा के अनुसार हम सब बच्चों को निमंत्रित किया. और आज हम, मैं इन लोगों को पूछूं कि कालड़ी में और यहाँ जितना आप व्यास पीठ के निकट बैठे हैं, कोई कथा में बैठे हैं? क्योंकि यही है जगतगुरु आदि शंकराचार्य महाराज का सिद्धांत कि जन जन को निकट लाया जाए. पूज्य चरण रहते हैं नदी के उस पार, हम हैं उस पार, लेकिन बिलगांव न रहे इसलिए कितना सुंदर सेतु बना कर रखा. यही तो इन पीठों का काम है. काम नहीं, यही तो इन पीठों का स्वभाव है. पीठ का प्रभाव तो दिगंत में है, सवाल ही नहीं, लेकिन महिमा पीठ के स्वभाव की, और हम ये स्वभाव महसूस कर रहे हैं. आपके दर्शन के बाद हम लौट रहे थे, मैं कह रहा था कि कितनी ऊंचाई पर बैठे हुए हमारी देश की एक विभूति और कितनी सरलता से बात करती है. यही तो है हमारे देश की महिमा. हम आए हैं यहां मां की गोद में आपका प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए. 7:30 बजे मुझे पूरा करना है. मैंने इसलिए पूछा कि शायद आपका कोई नित्य कर्म, जो आपका कोई नित्य कर्म हो उसमें हम बाधक न हो जाए, इसलिए मैं खड़े खड़े 2 शब्द बोल लूँ और फिर व्यास गादी पर, क्योंकि हमारा पहला दिन बड़ा स्तुति का ही लंबा चल जाता है. तो बोले नहीं नहीं, हम 1 घंटे तो बैठे ही. फिर मुझे मानस की चौपाई याद आ गई. जो बालक कहे तो तेरी बात, जो बालक कहे तो तेरी बात, सुनाई मुदित पितु अरुमा, सुनही मुदित मन पितु अरुमा. जैसे बच्चा तोतरी बोली में बोलता है और माता पिता इनकी तोतरी बोली सुनकर मुदित हो जाते हैं, वैसे हम माँ को मुदित करने के लिए और आपको, आपकी प्रसन्नता और आशीर्वाद पाने के लिए तोतली बोली में कुछ 9 दिन गाएंगे.
अपनी अदा में। अब आशीर्वाद मिल गया तो कौन फिकर, अब हम निर्भय नहीं अभय हो गए। निर्भय होना एक बात है, अभय होना दूसरी बात है। अभी दैवी संपद की चर्चा पूज्य वचनामृत में हो रही थी, अभयम सत्व संशुद्धिर, अभय होना बहुत बड़ी महिमा की बात है। तो हम अपने ढंग से अब चलेंगे। पूज्य श्री ने हमको कह दिया, वहां भी कहा कि आप कट्टर वेदांती हैं, आपकी कितनी बड़ी कृपा। कट्टर अद्वैती पूज्य चरण ने फरमा दिया, कितनी बड़ी कृपा है, कितना बड़ा प्रमाण पत्र दे दिया। मैं तो इतना कहूं कि कट्टर वेदांती तो इनकी आशीर्वाद है, इनकी कृपा सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन मैं तो इतना सोचता हूं कि कट्टर के बदले में बैटर अद्वैती हो जाऊं तो भी काफी है। आपने कितना बड़ा सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए फिर मैं ये दो पंक्तियां उठा रहा हूं। अद्वैत जो गोस्वामी जी तुलसीदास जी का जो अद्वैत के प्रति इशारा है, झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। ये शंकर वेदांत है, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का जो अद्वैत सिद्धांत है उसको गोस्वामी जी अपने ढंग से उठा रहे हैं। इन्हीं पंक्तियों का आश्रय करके हम इन दिनों में पूज्य श्री का आशीर्वाद पाकर कुछ तत्व चर्चा करेंगे। भगवान शिव साक्षात पार्वती के सामने कुछ वचन बोले हैं, इनमें से जो जो भगवान स्मरण कराएंगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी अभी हमारे आदरणीय श्री जो अंग्रेजी में बोल रहे थे उसने श्रृंगेरी की महिमा बताई कि यहाँ सांप और वो मेढक एक साथ खेले, तभी जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान को लगा कि यही भूमि उचित है, जहाँ अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैर त्यागः, जिस भूमि में ऐसी घटना घटती हो वहाँ ही स्थापित किया जाए। और आप देखें, आपने नहीं, कई लोगों ने देखा होगा, अभी ना पूज्य चरण जब पधारे तो इनके साथ साथ एक हिरण भी आ रहा था। प्राणी मात्र जिसको प्रेम करे वो साधु है, प्राणी मात्र जर्रा जर्रा जड़ चेतन जिसको देखने के लिए बेताब हो जाए वो साधु है। ऐसे साधु थे भगवान आदि जगत गुरु, वर्तमान पीठाधीश हमारे सामने हैं, लेकिन ऐसे साधु महर्षि की वाल्मीकि जी की बोली में रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य, ऐसे साधु पुरुष रघुनंदन की चर्चा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। आपने कवि लोगों की बोली में, सूफियों की बोली में कहूं तो धीरे धीरे हमें आपने बुलाया, हमको आपने बुलाया एक कर्म नहीं तो क्या है, ये इतना बड़ा कर्म इतनी बड़ी कृपा। मुझे आपने बुलाया वो कर्म नहीं तो क्या है, हमें आपने बुलाया वो कर्म नहीं तो क्या, हमारा मर्तबा बढ़ाया वो कर्म कट्टर अद्वैती, हमारा ये कृपा नहीं तो क्या है। बिना कृपा देखो भाई,
अद्वैती होने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है, पुंज चरण को पूछो। इसलिए कर्म नहीं तो क्या है, कितना करे तब ये घटना घटती है। और ये प्रमाण पत्र ऐसे ही, ये कर्म नहीं तो क्या है, एक कृपा नहीं तो क्या है। और रक्त में तो वही था, दूध वैष्णव का है, रक्त अद्वैत का है। ये तुलसी की माला है, ये रुद्राक्ष की माला है, ये ही पर रुद्राक्ष है, हाथ में तुलसी है, मुख में तुलसी का रामचरित मानस है। और मैं पूज्य श्री के बारे में तो क्या कहें, ये पीठ की महिमा है। लेकिन भारतवर्ष की सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए जिन्होंने 32 साल में पूरे भारत को एक किया, और फिर गाते गाते गुनगुनाते गुनगुनाते केदार में जाकर तिरोहित हो गए, उस भगवान शंकराचार्य महाराज की पीठ पर आसीत, आपके चरण, आपकी उदारता, आपकी महिमा हम क्या गाए। लेकिन आप सबने नोट किया होगा कि कितना राम प्रेम रहा होगा मन, कि मंगलाचरण ही भगवान राम की स्तुति से कर लिया गया। साधु साधु, आचार्य न करे तो ये कौन करेगा। हमारे देश का ये गौरव है कि हमारे पास अभी ऐसे पूज्य चरण है। हमने तो निमंत्रण दिया है कि हम आए, अब आप भी जब यात्रा में निकले और सौराष्ट्र में आ जाए भगवान सोमनाथ के दर्शन और द्वारिकाधीश को मिलने के लिए। शंकराचार्य भगवान के कुलदेव यदुपति है, ये यदुपति भगवान कृष्ण को आप मिलने आए कि सौराष्ट्र वाले कृष्ण को ठीक से रखते हैं कि नहीं वो देखने के लिए आप जब पधारे, तब छोटे से गांव तलगा जरड़ा में भी पधारिएगा और आश्वासन भी दिया जब अवसर बनेगा योग बनेगा तो देखेंगे। तो बड़ी महती कृपा हम सब पर है आपकी, और ये आपके स्थान की और आपकी जो महान ज्योति विश्व को आलोकित कर रही है उसी की एक महिमा है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है। मुझे पूछ रहे थे आपके लिए सबके लिए हम सब सुविधा कर रहे हैं, अरे हमने कहा ये तो आपकी महिमा, यहाँ क्या कमी है, यहाँ तो दरबार भरा है, शाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुत्फ से देखे तो खाक अक्सीर होती है। ऐसी भगवान जगत गुरु की ये पावन स्थली में हम सब बड़े भाग से आए हैं, राम कथा का गान करेंगे। दिशाएं 10 है लेकिन दशा 7 है, ऐसे फिर एक एक दशा के कई भाग है, किसी के इतने किसी के इतने, लेकिन दिशाएं 10 लेकिन दशा 7 है, और वो 7 दशा रामचरितमानस का एक एक सोपान है। कभी भाव दशा, कभी देह दशा, कभी ग्रह दशा, कभी प्रसन्न दशा, इन 7 दशाओं में से मानस की यात्रा होती है। इन सूत्रों की चर्चा करते करते गोस्वामी जी पर भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान 1200 साल, तुलसी को 500 साल, जगत गुरु की वैचारिक और दार्शनिक असर तुलसीदास जी पर कितनी हुई, उसका प्रथम प्रमाण बालकांड के 500 अर्थ है कि सनातन धर्मावलंबियों को चाहिए पंचदेव की पूजा करें। और रामचरितमानस का आरंभ करते ही शांकर मत की स्थापना की, तो हम क्यों न कट्टर वेदांती हो न हो, क्योंकि प्रारंभ ही रज्जो यथा।
वही तो न्याय लाकर गोस्वामी जी उस परम अद्वैत की चर्चा को उठाते हैं। तो इस पावन भूमि पर आकर के, ये तो महान तीर्थ है, इनका रूप ही स्वरूप ही देखिए कितना अद्भुत है, तो बहुत भाग्य की ये बात है कि हम यहाँ आ सके। बहुत समय से आना था, लेकिन कितनी कथा हुई भाई? 535 तो 534 की तभी नंबर लगाया। घूमते घूमते बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा आनंद है। तो 9 दिन तक भगवान रघुनाथ की गाथा, इनकी सूत्रात्मक चर्चा हम और आप सब मिलकर गाएंगे। बाबा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते रहेंगे और हम अपने आप को बड़भागी महसूस कर रहे हैं। मैंने ज़्यादा कुछ मिनट ले ली है, क्षमा करें, क्योंकि आपको एक तो आज की कथा को मैं यहाँ विराम दूँ। इससे पूर्व थोड़ा क्रम निभावे। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन मंगल मूर्ति सकल अमंगल मूल निकंदन, गाइए गणपति जगवंदन मंगल मूर्ति आरुतन, गाइए रामचरितमानस तो जीवन बन गया है। लेकिन मैंने कहाँ कहा था, मुझे याद नहीं, कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने विश्व पर जो सूत्रपात किए, विचारों का एक दौर छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण के 5000 साल जो विचार दिए पहले, उसके बाद मेरी व्यास गादी पर जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा असर हुई हो तो 1200 साल पहले हुए आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के विचार। ऐसे महापुरुष के विभूति के एक अवतार जो साक्षात शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायण, उसकी इस तपस्थली में हम आए हैं। तो क्रम निभा करके आज की कथा को विराम दे दें। वर्ण अर्थ संग रसानां छंदसां मंगलाना चकरता वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धा शांत सभी। भगवान जगतगुरु आदि जगतगुरु का जो बहुत बड़ा एक सनातन धर्मावलंबियों के लिए जो आदेश है, उसका निर्वाह गोस्वामी जी ने प्रारंभ में किया है
गणेश की वंदना करके, विष्णु भगवान की वंदना करके, शिव की वंदना करके, माँ दुर्गा की वंदना करके और सूर्य की वंदना करके, शंकर जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करि बर बदन, करम अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन, मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिर बर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करम सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करम कृपा मर्दन मयन, बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। विदेश वाले पूछे भगवान जगत गुरु शंकराचार्य महाराज को कि हम गौरी को पार्वती को इस तरह नहीं मानेंगे, हम शंकर के शिवलिंग को नहीं मानेंगे, हम सूर्य में इस तरह नहीं देखेंगे, हम विष्णु को नहीं माने, तो फिर आपका आदेश? इसलिए भगवान दोनों रीत से बोले कि गणेश को आप मूर्ति के रूप में न मानो तो चिंता नहीं, लेकिन विनय और विवेक के रूप में मानो। गणेश की पूजा, तुम विनय रखो, तुम विवेक रखो, गणेश की पूजा हो गई। तुम शारद भगवती भवानी को न मानो तो कोई चिंता नहीं, चलो भवानी शंकर हो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण हो, तुम अपने माँ बाप पर, अपने राष्ट्र पर, अपने अपने स्वभाव पर, अपने गुरुजनों को पर श्रद्धा रखो, वो हो गई गौरी पूजा। विष्णु का अर्थ एक व्यापक हो जाता है, विशालता व्यापकता, तुम्हारे हृदय को जैसे पूज्य श्री की विशालता व्यापकता उदारता हम सब महसूस कर रहे हैं। इस व्यापक भाव को आत्मसात करना हो गई विष्णु पूजा, और समग्र विश्व का कल्याण हो इसी भाव से कर। अभी अभी बता रहे थे ना कि धर्म की परिभाषा क्या, कोई गड्ढे में गिर न जाए पर आप उसको कहो कि वहां गड्ढा है, हो गया धर्म। किसी को एक सुभाषित सुना दिया, हो गया धर्म। किसी को कहा कि भाई गीता का एक मंत्र सुन ले, हो गया धर्म। ये तो गगन जैसा सिद्धांत है धर्म का। तो समग्र विश्व का कल्याण हो, रुद्राभिषेक हो गया, और सदैव प्रकाश में तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये सूर्य उपासना, सदैव हम प्रकाश। तो हम सबको विष्णु की, नारायण की पूजा, दुर्गा की पूजा, भगवान महादेव की पूजा, सूर्य की पूजा और गणेश की पूजा, ये भगवान शंकराचार्य महाराज का देन है, उनका ये प्रताप है। इसलिए कथा ही शंकर मत से शुरू होती है, मानस की, ये मानस की महिमा है, और इसी शंकर मत को लेकर आपकी कृपा से हम आपके दरबार में आए हैं। अब अपने ढंग से कल फड़ाका मारी सुना, सबकी अपनी अपनी अदा होती है भाई, अपना अपना स्वभाव होता है, इसी ढंग से हम। अब तो आशीर्वाद मिल गया, फिर क्या कहना, जो बालक कहे तो तरी बाता सुनहिं मुदित मन पितुरी माता। मैं अकेला ही नहीं अनुभव कर रहा हूँ बाबा जी, सब इतने प्रसन्न हैं आपकी कृपा और आशीर्वाद का सहारा है, और कोई सुविधा की कमी नहीं है, लहर है, उन्हें काहे बोलता नहीं जो काहे होई तो खबरदार जो बोला छो तो गुजराती तो समझ में नहीं आता। मैं तो ऐसे ही सूचना दे रहा हूँ गुजराती में लोगों को, तो बस आना तपस्वी बनकर रहना, ये आश्रम है तपस्वी, यहाँ इतनी ठाकुर ने इतनी कृपा की है सब, फिर भी कुछ कमी महसूस हो जाए, होने वाली ही नहीं। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, फिर भी कुछ हो तो भी ये तो तपस्थली है, आश्रम नहीं। मैं बाबा जी कोई अमेरिका से आए हैं, कोई ब्रिटेन से आए हैं, कोई अफ्रीका से, कहां कहां से भूत प्रेत आए हैं, कौन भूला न को अतिथि न पावन
अपावन गगरी धरे ए भूषण करार कपाल सब सर्य सोनित तरण भरे खरस स्वर श्रृगाल गगन देश अगणित को गने बहु जीनस प्रेत पिशाच ये जोगी जमात बरनत नहीं बने बहु जीनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत आपकी कृपा से कितने माइलों दूर दूर से लोग एक तो इस भूमि में पावन होने के लिए माँ शारदाम्बा के आशीर्वाद के लिए आपके इतनी साले जो जो बीती हो ना धो डालना यहाँ दिल को साफ करने का मतलब क्या सबको माफ करना उसका नाम दिल को साफ करना जो सबको माफ कर दे उसका दिल साफ हो गया जितनी साले गई हैं ये जो एक साल गई इनमें जो कुछ हुआ हो माफ कर दो दिल साफ और फिर दिल साफ हो जाएगा तो वेदांत और अद्वैत उतरेगा विशुद्ध अंतःकरण के बिना इसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती बहुत आवश्यक है अंतःकरण की विशुद्धि तभी ये देवता विराजमान हो जाता है अद्वैत का सिद्धांत कोई सामान्य वस्तु नहीं है केवल व्याख्या नहीं है आचार्यों ने महापुरुषों ने अपने जीवन में आचरण करके सिद्ध किया है कि तभी प्रतिष्ठा होती है जब अंतःकरण विशुद्ध हो जाए तो सबको माफ करना ही अपने आप को साफ करना है इस भाव से दूर दूर से आप सब आए हैं सब तरह की व्यवस्था और सुविधा यहाँ बनाई गई है केवल आपकी कृपा से और कुछ न कहकर आपके आशीर्वाद की छाया में हम 9 दिन भगवान के गुणगान गाएंगे और बहुत बड़ा प्रारंभ में ही फल मिल रहा है अब क्या हम तो फल बल में मानते नहीं लेकिन कोई कोई फल हम भी ले लेते नमे कर्म फले प्रिया लेकिन कहीं कहीं से पका फल रसदार फल हम ले लेते हैं ऐसा फल आपके आशीर्वाद का आपकी कृपा का सबको मिला इसलिए सब के ये तुम्हारा मोटा जुआ जुआ से आज इन सब के चेहरे बहुत प्रसन्न हैं आज आपकी कृपा से हाँ गुरु साथे तो हमेशा अद्वैत रखो गुरु के साथ अद्वैत होने की मना है प्रमाण है तीनों लोक में अद्वैत करो लेकिन गुरु के साथ द्वैत भी होना चाहिए वहां तो मैं सेवक सचराचर रूप भगवंत यही गोस्वामी जी का भी सिद्धांत यही सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं गोस्वामी जी मानस में तो हाँ बाबा जी सुन सुन करके सब थोड़े बहुत वेदांती हो गए हैं थोड़े कच्चे पक्के हम जैसे थोड़े ऐसे सब लेकिन यहाँ आए हैं जैसे आम कच्चा होता है तो घास में दबा दिया जाता है तो गर्मी से पक जाते हैं थोड़े बहुत हम कच्चे हों तो आपकी कृपा के गर्मी से पक जाएंगे यहाँ से आखिर में अब आपका समय भी बहुत मूल्यवान है इसलिए ज़्यादा न कहते हुए आज से भगवत कृपा से कथा का आरंभ हो रहा है आखिर में 1 मिनट 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय करके आज की कथा को विराम दूँ हर हर भोले नमः शिवाय हर हर शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोहम मोहापारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्ना नयावत उमानात पादारि भजंती हलोके परेवा नतावत सुखम शांति संतापनाशन प्रसीद प्रभो सर्व न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं जरा जन्म दुखो दत्तात्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि सशम्भो जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने न चावानं ध्यानं न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने तदनुशरणं क्लेशहरणं पृथिव्यां पुत्रास्ते जनहे मा हे दुर्गा परं तेषां मध्ये विरल तरुणो हम तव सुत मदीयो यम त्याग समुचित मिलं नो तव शिवे कुपुत्रो जाये क्वचिदपि कुमाता न भवति मत समः पात की नासि पाप एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा शिवायो नमः शिवायो नमः शिवायो नमः शिवायो नमः शिवायो नमः शिवायो हर 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 पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बस सुर बोलिए हनुमान जी महाराज जगद्गुरु आदि शंकराचार्य भगवान की श्रृंगेरी धाम की। तो आपके आशीर्वाद की छाया में आज का मंगल जो श्री गणेश कथा का है उसको आज यहाँ विराम दिया जा रहा है। कल सुबह 9 बजे एक दिन बीच में यहाँ का एक विशिष्ट कार्यक्रम है उसके कारण कथा शाम को करेंगे, लेकिन कल परसों पर 28 को शाम को रखेंगे, इसकी कल घोषणा कर देंगे। तो कल सुबह 9 बजे कथा आगे बढ़ेगी भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान।
श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सदगुरु भगवान मात सब विधि तुरंत